दतिया जिले में प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्टेडियम में मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि अंतरविभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 2 अप्रैल रविवार से 9 अप्रैल तक चलेगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पुल ए और पुल बी में 8-8 टीमें हिस्सा ले रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्रिकेट में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, साथ ही साथ बल्ला थामते हुए उद्घाटन शॉट भी खेला। गृह मंत्री ने कहा कि खेल भावना से हमारे जीवन में अनुकूलता लाने से विशेष प्रभाव पड़ता है। अंतरविभागीय प्रीमियर लीग जिले के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों को एक साथ एक समय पर खेलने का अवसर प्रदान करता है। आगे चलकर इसका वृहद रूप सामने आएगा। इस अवसर पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, SDM रुपेश उपाध्याय, जिला पंचायत CEO कमलेश भार्गव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी एवं भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। और इसलिए ये टीम स्पिरिट, ये टीम भावना भरी रहे, ये खेल के आयोजन के साथ साथ SP साहब, कलेक्टर साहब कुछ और भी आयोजन करें जिसमें दाल रोटी खाने का हो, कुछ गपशप करें पेड़ के नीचे बैठ के। जिला प्रशासन एवं माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छा और सराहनीय पहल है ये कि कर्मचारी जो है वो सब एक छोटा बड़ा सब एक साथ मिलजुल करके खेले। इससे क्या होता है कि हिचक कम होती है और खेल भावना बढ़ती है। और मेरा तो ये मानना है कि शायद ही इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं अन्य जगह होते होंगे और आने वाले समय में भी ऐसा सुनने में आया है कि बहुत बृहद स्तर पे संभाग लेवल पर इसको करने जा रहे हैं। थैंक यू। बागेश्वर धाम जी की कथा हुई और पार्थिव शिवलिंग बनाई थी तो ये स्थान छोटा पड़ गया था। वो तो भला है पीछे मंडी का गेट है तो बाकी की व्यवस्थाएं कर देते हैं, कुछ खाने की तरफ ध्यान डाइवर्ट करते हैं। स्टेडियम फट न जाए ऐसी स्थिति लगती थी। एक समय था कि बग्गी खाना भर जाता था तो लोग कहते थे जंगी सभा हो गई, जंगी क्या, जंगी कार्यक्रम हो गया, जंगी या भागवत, बहुत बड़ी भागवत है, बहुत लोग आए। अब 1000-2000 की कैपेसिटी का 50,000 की कैपेसिटी, इसका मतलब दतिया के लोगों के मन के अंदर कुछ कर गुजरने की हसरत सदैव से थी, लेकिन अज्ञात आशंकाओं में घिरे रहने के कारण से वो अपनी उसको प्रकट नहीं कर पा रहे थे। आज दतिया के 4-4 बाईपास हो गए, चारों तरफ फैल रहा है दतिया, इतनी गाड़ी हो रही है कि चाय जब जाम लग जाता है। लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी तो थी लेकिन निकालने से डरते थे, जाहिर करने से डरते थे। आज उद्योग लग गए दतिया में इतने, हमने उनको बताया है। पर ये सब के पीछे आप सब मैं जो कह रहा था कि दतिया दिवस अपना 24 तारीख को है, जैसे भी जहां भी अपन को करना है इस ताकत से, शिद्दत से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं उसमें। पिछले साल तो आपने देखा होगा शहर ही जाम हो गया था, क्योंकि माई के प्रति अगाध आस्था है। दूसरा वो रथ जिसमें माई विराजमान स्वयं होती है पूजा पाठ के बाद, उसका स्पर्श करना अपने आप में हमारी मनोकामना पूर्ण होने का काम होता है। मैं खुद इसका साक्षी हूं, क्या है रथ के स्पर्श के बाद आप मनोकामना पूरी करके स्पर्श भर कर लो, आपका काम फतेह हो जाता है। छोटी 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 सावधानियां और बड़ी बड़ी दिक्कतें आप सबको ही दूर कर दी है। और इसलिए ये टीम स्पिरिट, ये टीम भावना भरी रहे, ये खेल के आयोजन के साथ साथ SP साहब, कलेक्टर साहब कुछ और भी आयोजन करें जिसमें दाल रोटी खाने का हो, कुछ गपशप करें पेड़ के नीचे बैठ के।